माननीय मंत्री जी, उपसभापति महोदय, ये अति महत्वपूर्ण बिल हमारे MOS पायलट कर रहे हैं, परंतु मुझे लोकसभा में 6:45 बजे पहुंचना है, इसलिए कुछ टिप्पणियां, कुछ मुद्दे हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा। सर, प्लीज प्लीज, नो नो सर, प्लीज, इज नॉट यील्डिंग, नॉट यील्डिंग, प्लीज, इज नॉट यील्डिंग, रूल बताइए, रूल तो बताइए, राजा साहब, इज नॉट यील्डिंग, व्हिच रूल, प्लीज प्लीज, व्हिच रूल, व्हिच रूल, सर सर, दिस अफेक्ट स्टेट्स राइट्स, दिस अफेक्ट स्टेट्स राइट्स, दिस अमेंडमेंट विल अफेक्ट स्टेट्स राइट्स, इट्स नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, आप रिप्लाई दे, आपकी बात कोई रिकॉर्ड पे नहीं जाए, नहीं प्लीज, नोटिस नहीं दिया है भाई, नोटिस नहीं दिया आप लोगों ने स्टैंडिंग कमिटी के लिए, नोटिस कहाँ दिया है, लाइए नोटिस है क्या, नहीं मगर नोटिस है क्या, उपसभापति महोदय, नोटिस ही नहीं है, नोटिस नहीं है, कैसे आप डिमांड कर सकते हैं, आप नोटिस, माननीय मंत्री जी आप जवाब दे, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, नहीं प्लीज, अरे भाई, व्हिच रूल, यू हैव टू कोट रूल नंबर, मगर फिर भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आज आया फिर भी बिल मूव करने के पहले नोटिस तो देना पड़ेगा ना, प्लीज प्लीज प्लीज, रूल्स आर रूल्स, वी रियली ऑनर द रूल्स, वी रेस्पेक्ट द रूल्स, लेकिन आपका बिल आया है आज ही, हमने कुछ नहीं कहा, वरना यस्टरडे आई हैव रेज्ड सीरियसली, टुडे वी हैव नॉट डन, बिकॉज अ सीरियस थिंग, एंड यू केम एंड सेड, वंस यू कम एंड सीट, ए सीनियर मिनिस्टर ऑफ द हाउस, हम लोग खामोश इसलिए बैठे कि लेट अस नॉट गो बाय दिस रूल्स, लाइकवाइज, या सीनियर मिनिस्टर आएगा तो भी हाउस तो रूल से ही चलेगा ना, नो नो, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग, वी हैव जस्ट रेज्ड, वी हैव फ्लैग्ड वन इशू, कैन इट गो टू सेलेक्ट कमिटी, you have a majority, you can, so it will not go. Raja sahab, please bait. Mananiya Mantri ji, apna jawab. Aap jawab. Please. Select committee ka koi prastav nahi aaya tha, ispe bahas nahi ho rahi, Mananiya Mantri ji ab jawab denge. Please. Aap bole, aapki baat, Mananiya Mantri ji ki baat record pe jayegi, aap bole. Mananiya Upsabhapati Mahoday, but we will not want for this bill. Senior member, please take your seat now. Uski prakriya theek hai, aap maniye mantri ji, aap bole, chale hi gaye, kya kar sakte, aap bole, no, what is the problem, the bill came in the morning, you want to get it passed in the evening, how can parliament do such things, that is why, please, nahi to theek hai, division kara lijiye agar chahte hai to, select committee ke liye division kara lijiye, no, wo prastav hi nahi hai, maniye mantri ji, select committee ka koi, mr d raja, why should we ask, mr d raja, there is no motion for special select committee, there is no motion for select committee, we are now listening to the reply of minister, सभापति महोदय, रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, एक बार में इतना, अब राजा जी सुनिए तो, आप सुनिए तो, प्लीज क्या बता, सभापति महोदय, बिल पर डिटेल बात मेरे साथी MOS श्री किशन रेड्डी जी रखेंगे, मैं कुछ मुद्दे सदन के माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए हैं, इस पर जरूर जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले सम्माननीय सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उठाया NIA की एफिशिएंसी के बारे में। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर ये सदन ही NIA की साख नहीं बनाएगा
तो एनआईए की साख दुनिया में कैसे बनी? हम ऐसी बातें सच हो तो जरूर उठाएं, इनएफिशिएंसी हो तो उसको टोकना चाहिए, इसको इंगित भी करना चाहिए, इनको इंप्रूव भी करना चाहिए, इंप्रूव करने की तैयारी भी है। परंतु केवल इतने संवेदनशील मुद्दों पर केवल राजनीति के लिए हम एजेंसी को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, इसकी एफिशिएंसी को दुनिया के सामने नीचे लाने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है महोदय ठीक नहीं। मैं कुछ आंकड़े रिकॉर्ड क्लियर हो दुनिया में, देश में, इस सदन के माध्यम से, सारे सदस्यों को आपके माध्यम से एनआईए की एफिशिएंसी के बारे में मालूमात हो, इसलिए कुछ आंकड़े जरूर रखना चाहता हूं महोदय। जहां तक एनआईए का सवाल है, मैं ज्यादा आंकड़ा नहीं देना चाहता। 2014 से 2019 तक, 17/7/2019 तक टोटल रजिस्टर्ड केस 195 है। ये कह रहे चार्जशीटी नहीं होती, इक्का दुक्का हुई है। 195 में से 129 केस में चार्जशीट करने का काम समाप्त कर, 129 केसों में से 44 केसों में प्रोसिक्यूशन ने अपना काम समाप्त कर दिया, जजमेंट आ गया है। 44 में से 41 केसों में दोषियों को सजा हुई। मैं नहीं मानता दुनिया में कोई एजेंसी ने इससे ज्यादा एफिशिएंसी से काम किया है। मेरे पास दुनिया भर के आंकड़े नहीं, परंतु मैं भी जानता हूं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को। श्रीमान, 44 में से 41 केस में सजा हुई है, 184 एक्यूज को कन्विक्ट किया गया है, 184 एक्यूज को, और ये सारे के सारे आतंकवाद फैलाने वाले या आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड लाने वाले या इसको बल देने वाले लोग। अब हम जब ऐसे ही बोलने के लिए बोल देते हैं, प्रेस गैलरी के सामने देखकर बोलते हैं कि भाई एनआईए की एफिशिएंसी क्या है, दुनिया में जाकर क्या करेगी। मैं सदन को भरोसा देना चाहता हूं कि दुनिया में जहां पर भी भारतीयों के खिलाफ आतंकवाद का अपराध होगा, एनआईए की एजेंसी उसको डील करने में सक्षम। उपसभापति महोदय, मैं जाना नहीं चाहता था इसमें, वरना कहेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं, मगर उन्होंने ही मुद्दा उठा लिया और स्थिति आ बेल मुझे मार जैसी कर दी। इन्होंने मुद्दा उठाया, समझौता विस्फोट में स्पेशल कोर्ट के लर्नेड जज का जजमेंट पड़ा कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी कोई प्रूफ तय नहीं कर रख नहीं पाई कोर्ट के सामने, चार्जशीट में से कुछ ऐसा ढूंढ नहीं पाए कि सजा नहीं की। मान्यवर, चार्जशीट कब हुआ है? सबको मालूम है जो क्रिमिनल लॉ के साथ थोड़े बहुत भी परिचय रखते हैं उनको, कि सजा होना न होना चार्जशीट पर आधारित हो। जब प्रोसिक्यूशन एजेंसी, जब लॉ ऑफिसर जीरा करते हैं अदालतों में, तो उसका बेस क्या होता है? वो जीरा का बेस चलान होता है, जिसको चार्जशीट कहते हैं। चलान कब हुआ? मान्यवर श्रीमान, चलान समझौता ट्रेन विस्फोट केस में चलान हुआ 9 अगस्त 2012 को, हमारी सरकार नहीं थी। आपकी सरकार ने चलान किया। मैं बताता हूं आगे, अभी थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो, ये खोलना नहीं चाहिए था। 9 अगस्त 2012 पहला चलान हुआ, यूपीए सरकार थी। 12 जून 2013 दूसरा चलान हुआ, यूपीए सरकार थी। और मान्यवर, चलान ही ऐसा हुआ क्योंकि जो केस रजिस्टर किया था इनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं थे, कोरी पॉलिटिकल बदले की भावना से केस रजिस्टर किया। और ये पूछ रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने मुद्दा उठाया कि इतने साल जेल में रहते छूट जाते इनकी जीवन भर। प्रोफेसर साहब, मैं आपकी संवेदना से पूरी तरह से वाकिफ हूं। यहां उल्टा केस है, दो तरह से उल्टा केस है। ये समझौता विस्फोट केस में सब 7 लोग पकड़े गए थे, हमारी एजेंसियों ने पकड़े,
अमेरिका की एजेंसियों ने कहा कि इन्होंने विस्फोट किया है। बाद में अचानक एक धर्म विशेष के साथ टेररिज्म को जोड़ने के लिए एक केस बनाया गया और जिन्होंने समझौता विस्फोट किया था उनको बरी कर नए आरोपी को कैसे सजा होती? सजा नहीं हो सकती मान्यवर, क्योंकि इनके खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं। और मैं आज पूछना चाहता हूं, प्रोफेसर साहब ने जो मुद्दा उठाया ऐसा मेरा भी मुद्दा है, समझौता एक्सप्रेस में जो लोग मारे गए इनके ह्यूमन राइट है या नहीं? मैं मानता हूं उनके भी ह्यूमन राइट, उनकी विधवाओं के भी ह्यूमन राइट है, उनके अनाथ बच्चों के भी ह्यूमन राइट है। अब आपने जिनको छोड़ दिया और समझौता ब्लास्ट में मारे गए लोगों को न्याय नहीं मिला, इसका गुनहगार कौन है? मान लो हम तो नहीं है। जज क्या करते, कोर्ट क्या करती, जब कोई प्रोसिक्यूशन के लिए प्रूफ ही नहीं था, चालान के अंदर चार्जशीट के अंदर कोई तत्व ही नहीं था, पॉलिटिकल तत्व के आधार पर कोर्ट फैसला नहीं देती है। और इन्होंने कहा अपील नहीं की, ऐसा ही मक्का मस्जिद में हुआ है, मगर मैं सारे केस की डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन्होंने कहा मान्यवर कि अपील नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार। एक जमाना था कुछ सरकारें ऐसी भी चली मान्यवर जिसमें सरकार, प्रोसिक्यूशन एजेंसी और लॉयर, लॉ ऑफिसर सब एक ही थे, एक ही कमरे में बैठकर सब षड्यंत्र करते थे। अखबारों में छपे हैं मामले, अगर मुझे आप पूछोगे तो बता भी सकता हूं, मामले जरूर बता दूंगा अगर पूछेंगे तो, ना पूछे तो मैं मर्यादा रखूंगा। मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी पर गलत केस नहीं होता, प्रोसिक्यूशन एजेंसी अपना काम करती है और लॉ ऑफिसर अपना काम करती है। ये विद्वान लॉयर है मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के विद्वान वकील है, उनको मालूम होना चाहिए कि अपील करना या न करना ये प्रोसिक्यूशन एजेंसी या सरकार नहीं करती, अपील करना या न करना ये फैसला लॉ ऑफिसर की एडवाइस पर होता है। जब लॉ ऑफिसर को चलान के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं मिलता है और वही ओपिनियन को जब कोर्ट सर्टिफाई करती है अपने जजमेंट के बाद, और लॉ ऑफिसर अगर ओपिनियन कहता है, देता है कि इसमें अपील करने लायक केस नहीं है, तो गृह मंत्री क्या करेंगे आजाद साहब बताइए? यहां खड़े होकर यही कहेंगे कि अपील नहीं होगी? मुझे पूछोगे तो मैं भी कहूंगा, क्योंकि हमारी सरकार तो लॉ ऑफिसर के ओपिनियन से चलती है, पॉलिटिकल मैंडेट के आधार पर चलने वाली ये सरकार नहीं है साहब, लॉ ऑफिसर के ओपिनियन पर चल। मान्यवर कुछ चीजों पर विवेक तनख्वाह जी ने केस के वायरस पर सवाल उठाया कि ये कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ है। तनख्वाह जी आपके माध्यम से मैं विवेक जी को भी कहना चाहता हूं, केस के वायरस जो चैलेंज हुए हैं ये लॉ हम लेकर नहीं आए थे, हम तो लेकर आए थे पोटा जिसके वायरस कभी चैलेंज नहीं हुआ, जो आपने पहली कैबिनेट के पहले ही दिन पहले प्रस्ताव में रिपील कर दिया। मगर आप जो लॉ लेकर आए उसके वायरस चैलेंज हुए। आप मुझे सवाल मत पूछिए, आपके दो दो नहीं, मैं बताता हूं, नहीं नहीं इसके भी हुए, सेक्शन 6 को चैलेंज किया गया है, इसके भी हुए, उन्होंने मुद्दा यही उठाया, सीबीआई का भी उठाया, सीबीआई का आसाम कोर्ट का जजमेंट कहा, तनख्वाह जी बैठे पूछ लीजिए, मैं ध्यान से सुनता था। और जो वायरस चैलेंज हुए वो कानून हम लेकर नहीं आए, और कानून आया इसमें सबसे विद्वान वकील होम मिनिस्टर था और सबसे विद्वान वकील लॉ मिनिस्टर था, दोनों उच्चतम न्यायालय के बड़े विद्वान वकील थे और सरकार भी यूपीए की थी, और आज आप हमें कटघरे में खड़े कर रहे हैं। हम तो आपकी लेगेसी को जनाब लेकर यहां पर खड़े हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, तो आप हमें कृपया सवाल न कीजिए। मान्यवर काफी सदस्यों ने संशय व्यक्त करा है, देश में कई सारी ऐसी घटनाएं भी हुई है जिससे संशय पैदा हो। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस कानून का कतई दुरुपयोग नहीं होने देगी, इसका मैं आश्वासन। और आज जो अमेंडमेंट लेकर मेरे साथी आए हैं वो अमेंडमेंट की मंशा इतनी ही है कि विदेश में कहीं पर भी
जो आतंकवादी घटनाएं होती है जिसमें भारतीय नागरिक हताहत होते हैं, हमारे दूतावास हताहत होते हैं, हमारी जान माल का जो नुकसान होता है, तो हमारे पास आज कानूनी अधिकार नहीं है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का। वहाँ जाती है पुलिस तो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे ही एक स्टेप आगे जाएंगे तो वो पूछेंगे बताओ कानून में कहाँ प्रोविज़न है, तो इसलिए कानून को लेकर आए हैं। डेरेक ओबेरॉय साहब बैठे नहीं, हमेशा की तरह बोलकर चले गए परंतु इन्होंने मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान का क्या करोगे, पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन करी मगर कानून नहीं बनाए। बात सही है इनकी, पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन करी है मगर कानून नहीं बनाया है, हर चीज़ कानून से भी नहीं होती है। उरी में हमला हुआ था, ये कहते थे बिरयानी खिलाई, ये खिलाया वो खिलाया सारा, मगर इसके बाद वाली घटना भूल गए। कई बार होता है ऐसा कि पुरानी चीज़ें याद रहती है, नई चीज़ें आदमी एक अवस्था में भूल जाता है, मगर ये तो युवा सदस्य है, ताज़ा चीज़ें भूल गए सर। उरी में घटना हुई, CRPF पर हमला हुआ पुलवामा में, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया और एयर स्ट्राइक भी किया घर में घुसकर जवाब देने की हमें हिम्मत। पाकिस्तान में कानून है चिंता मत करिए, नहीं है इसकी चिंता मत करिए, मगर विश्व भर के अंदर जो रेसिप्रोकेट करेंगे वहां पर भी ये कानून का दायरा नहीं पहुंचाना है क्या? जो देश रेसिप्रोकेट करते हैं उसको तो हम वहां तो कानून का दायरा पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे? और अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो खड़ा हो रहा है, मुझे लगता है पाकिस्तान ने भी कभी ना कभी ये कानून बनाना ही पड़ेगा, मगर हम अपनी तैयारी में क्यों पीछे रहे? इसलिए मान्यवर ये कानून लेकर मैं, हमारे MOS साहब आए हैं, मैं सदन को बड़ी विनम्रता के साथ और बड़े मन से कहना चाहता हूं कि एक ऐसा कानून है जिसे दुनिया भर के अंदर संदेश जाना है, भारत के दोनों सदनों की मंशा क्या है, दोनों सदन टेररिज्म जैसे गंभीर अमानवीय कृत्य के लिए भी एकजुट हो सकते या नहीं हो सकते, या इसमें भी पॉलिटिक्स करते हैं, आतंकवादियों को भी एक संदेश जाना है कहीं अपने दोनों सदनों में कोई रिप तो नहीं है, इसमें पार्टी लाइन के आधार पर देश की आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कोई हमारे अंदर दरार तो नहीं है, ये सारे संदेश इसी कानून से मान्यवर जाने हैं। तो मैं सदन के सभी सदस्यों को विनंती करना चाहता हूं कि कृपया ये अमेंडमेंट को सर्वानुमत से पारित करिए, लोकसभा ने भी ऑलमोस्ट सर्वानुमत से पारित किया है, इतनी बात करता हूं, बाकी डिटेल ले करेंगे क्योंकि मान्यवर आपकी इजाजत से वहां की लोटिन है, मुझे 5:45 बजे पहुंचना है। तो नहीं हो गया, द क्वेश्चन इज दैट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन, प्लीज द क्वेश्चन इज दैट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट बिल, the evidence, the prosecution, the arguments is all done during BJP rule. He is citing a charge sheet of 12 and 13. Cases are not decided on charge sheet. Judgment came in March 19. 5 years of your term, your people argued it. Your nahin. Came in your time. One more fact, sir. Only one. Singhvi sahab, ek minute, ek minute. Five seconds. Ek minute. Judgment kis charge sheet par aaya? बाद में तो जीरा होती है सर, डेट पे डेट करके सुप्रीम कोर्ट तक काम ले जाते हैं सर, यू आर टेलिंग द हाउस सजा होगी या नहीं होगी वो जज में चार्जशीट पर होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसा किया वो चार्जशीट तय करता है, जज डिसाइड ऑन 2012 चार्जशीट, ही इग्नोर्स द आर्गुमेंट्स, ही इग्नोर्स द एविडेंस लेड, योर गवर्नमेंट डिड नॉट लीड क्रेडिबल एविडेंस। एंड सेकंड, आई वुड लाइक द ऑनरेबल होम मिनिस्टर टू पुट ऑन रिकॉर्ड ऑफ दिस हाउस, देयर आर 48 टेरर केसेस विद द NIA इन व्हिच 23 ऑफ व्हिच नो चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड। You have given hundreds of cases. I repeat, let it come on the record of the house. 48 terror cases in NIA, 23 no charge sheet filed. These are terror cases. They are talking of normal cases, ordinary cases. Ek second. The question is that... Ek second. Manevar, main thoda clear karna chahta hun. Unhone kaha ki jira NDA sarkar ke. Jira kis base par hoti hai? Navy agar khokhli hai, to is par imarat nahi banai ja sakti. Charge sheet ke andar navy nahi thi. Evidence hi nahi tha. और जहां तक चार्जशीट नहीं हुई इसका सवाल है माननीय, NIA में लंबे समय तक चार्जशीट करने का प्रोविजन है, एक्सटेंशन भी मिलते हैं, एक भी केस ऐसा नहीं होगा जिस पर चार्जशीट नहीं होगी।